देख ली लू तंजौर, तंजौर में आप चोलपुरम चोलपुरम वाला जो मंदिर है उसका दर्शन करें, उसके बाद आप आए इधर ये श्री रंगनाथम, श्री रंगनाथम के बाद आप चिदम्बरम की तरफ जा सकते हैं और चिदम्बरम टू बैंगलोर। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं श्री रंगनाथ टेम्पल जो कि तिरछी में है, और बहुत कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि दो तीन टेम्पल है जो सेम, जिनका नाम सेम है, रंगनाथ, श्री रंगनाथ स्वामी, श्री रंगनाथ, तो बट फाइनली वी फाउंड द मेन टेम्पल। तो ये है एंट्रेंस रंगनाथ के टेम्पल का, रंगनाथ जी के टेम्पल का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जैसे वैष्णव का जो तिलक होता है उसका साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी पिछले मंदिर की तरह तीन एंट्रेंस है, तो वैसे मतलब मेन एंट्रेंस अलग अलग जगह से है लेकिन आज के लिए ये एंट्रेंस ओपन है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ फेस्टिवल चल रहा है जो कि 11 डेज का है। आप देख रहे होंगे मोस्टली पीपल रेड और रेड या ब्लैक में ही दिखते हैं जो शबरीमला जाते हैं। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट गेट। और देन उसके बाद आप देखिए सेकेंड गेट भी है। देखो सेकंड वाला जो है वो भी सेम बना हुआ है, उसमें भी वैष्णव तिलक है, फिर जो कुछ मूर्तियां हैं। तो ये है एंट्रेंस और आप देख सकते हो कि ये जो वैष्णव तिलक होता है वो हर जगह पे हर एंट्रेंस पे बना हुआ है। ये भी एक अलग तरीके का आर्किटेक्चर है और पता नहीं। और ये और फाइनली हम अंदर आ गए, तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे अभी, इस वजह से भी इतनी भीड़ है। तो अभी हमने ये जो VIP टिकट होती है, या आप ये कह लीजिए कि कुछ 100 या 200 रुपीज़ वाली जो टिकट होती है, हम उस रो से दर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि और मेरे से नहीं खड़ा हो जा रहा था, ऑलरेडी 1.5 आवर हो चुका था खड़े होकर के, और अभी भी बहुत लंबी, देखिए आप अभी भी वहाँ पे खड़े होंगे तो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। तो हमें लगा कि ठीक है अभी टिकट ले लेते हैं क्योंकि बाहर हमें किसी ने बताया ही नहीं, यहाँ पे कोई बताता ही नहीं कि VIP टिकट कहाँ से क्या मिलेगा, बट ठीक है कभी कभी भगवान भी चाहते हैं कि आप हमेशा VIP बन के ना जाओ उनके पास हर जगह पैसा काम नहीं आता। और ये 100 रुपीज़ वाली भी लाइन कोई ज़्यादा कम नहीं है, आप देख सकते हो ये भी बहुत लंबी लाइन है। इतने सारे जो पिलर्स हैं ये सब पुराने टाइम के हैं, ये सब एंशिएंट टाइम के पिलर्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया गया और लाइन अभी भी जारी है, हमें अभी भी टिकट नहीं मिली है। और ये कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है ये पिलर्स को थोड़ा सा लाइन क्रिएट करने के लिए क्योंकि ज़्यादा भीड़ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए लगाया हुआ है। ये है अंदर जाने का दरवाज़ा और हम लोग वेट कर रहे हैं सब कैदियों की तरह अपने आज़ाद होने का, क्योंकि हम पिछले 1 घंटे से इसी तरह की भीड़ वाली रो में खड़े होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वैसे ही हम अंदर जाएंगे। इट्स टू हॉट, टू टायरिंग, बट ऐसा क्राउड नॉर्मली नहीं रहता है, सिर्फ आज ही एक क्राउड है क्योंकि आज कुछ फेस्टिवल चल रहा है 11 डेज का, और प्लस सैटरडे संडे भी है, अदरवाइज इतना क्राउड नहीं होता है। मतलब नॉर्मली आप 100-250 का टिकट लेके अंदर जा सकते हो, आज कोई VIP एंट्रेंस भी नहीं है। हम लोग फाइनली जो है 500 का टिकट लिए पर पर्सन, मतलब अगर टिकट नहीं लेते तो और 1.5 घंटा लगता, मतलब 5 घंटे लग जाते हैं। ये है भगवान के पद, मैं अंदर का तो वीडियो बिल्कुल बनाना अलाउड नहीं था, वो एकदम फ़ोन चेक कर रहे थे कि कहीं आपका वीडियो ऑन तो नहीं है। போதும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காகவே போடுங்க ஆத்தாதீங்க கிளாஸில். जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे पॉन्ड्स और रिवर आपको मिलते रहेंगे, तो ये और एक पॉन्ड है जो कि मंदिर के अपोजिट साइड में है, काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, इधर तक है पूरा।
ये हर ग्रीन नारियल तो हर जगह पे ही होंगे बैंगलोर में, और बैंगलोर में क्या अगर आप नॉर्थ से हैं, वेस्ट से हैं, ईस्ट से हैं, और साउथ में ऑब्वियसली साउथ वालों से तो बोलना भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप किसी भी कहीं से भी हैं, आपने ये ग्रीन नारियल तो हमेशा ही पिया होगा, लेकिन मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये ऑरेंज कलर का नारियल। एंड ये मैं खुद भी पहली बार टेस्ट कर रही हूँ, तो ये बहुत ही डिफरेंट नारियल है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन वाला पक के ऐसा हो गया, ग्रीन वाला पक के तो वो सूखा नारियल हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। तो अभी हम चल पड़े हैं चिदम्बरम की तरफ, वहाँ पे नटराज टेम्पल है, और अब हम जा रहे हैं नटराज टेम्पल। और कुछ तो फेस्टिवल है, पूरा रो ऐसे एकदम लाइटिंग डेकोरेशंस, बहुत अच्छी लाइटिंग है, एकदम दूर तक लाइटिंग है, और ये लाइटिंग से जो है नटराज टेम्पल का स्ट्रक्चर सजाया गया है। ये हम पहुंच गए नटराज टेम्पल।